गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अब भी बजे हैं सुबह के 8:15, 8:15 अभी हो रहे हैं। और आज के वीडियो में कोई ब्लॉग नहीं करने वाली हूँ, आज मैं एक चैलेंज करने वाली हूँ, नूडल्स चैलेंज, 24 आवर ईट नूडल्स चैलेंज। आप लोगों ने देख ही लिया होगा कितनी तेज़ धूप आ रही है, अभी मॉर्निंग का टाइम है। और अभी ऐसा लग रहा था जब हम लोग सुबह सुबह सोकर उठे थे, हम लोग 7:30 पे उठे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाली है, लेकिन सडनली धूप निकली आई, तो कुछ भी ऐसा नहीं है। तो हाँ, मेन पॉइंट पे आते हैं। तो आज का जो नूडल्स चैलेंज है वो मैं करने वाली हूँ, 24 आवर ईट नूडल्स। तो बस आज मैं वही खाने वाली हूँ और मुझे कुछ भी नहीं खाना है। और आज का जो चैलेंज मैं करने वाली हूँ वो फर्स्ट टाइम करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने एक और चैलेंज किया हुआ था, जो मेरा फर्स्ट चैलेंज था, अपनी मम्मी के साथ मैंने किया हुआ था, वो पोहा चैलेंज था। लेकिन कोई 24 आवर का नहीं था, ओनली जस्ट चैलेंज था वो कि कौन विनर होता है उसमें। तो मैंने ऐसे ही अपनी मम्मी के साथ कैजुअली कर लिया था। तो अब मैं जो करने वाली हूँ वो मेरा खुद के ऊपर रहेगा, 24 आवर का रहेगा। तो मैंने 24 आवर नूडल्स ही खाने हैं, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं खाना है। तो चलिए, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे, पहले मैं ये चलती हूँ और जल्दी से अपने लिए नूडल्स बना लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मेरी मैगी कंप्लीट हो गई है, ये देखिए। और मैं बहुत जल्दी बना ली, मैंने ज़्यादा नहीं बनाई है, थोड़ी सी बनाई है। अब बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और अभी मेरे पेट में भी चूहे दौड़ रहे हैं। तो मैंने अपना ये चैलेंज जो स्टार्ट किया था अभी का तो मैंने कंप्लीट कर लिया है, अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। बट गाइस सीरियसली, ये देखिए मैंने पूरा फिनिश किया है, सिर्फ जो एक मिनट, ये लाल मिर्च आप देख सकते हैं मैंने इसमें डाली हुई थी, इसकी वजह से बहुत टेस्टी लग रहा था गाइस। ये बहुत ही टेस्टी नूडल्स लग रहे थे, इससे पहले टेस्टी मैंने एक बार अपनी मम्मी के हाथ से खाए थे और आज खाएँ सेकेंड टाइम, बहुत ही टेस्टी नूडल्स थे। तो इसके बाद अपना जो नेक्स्ट कंप्लीट करना है मुझे, तो अब मैं खाऊंगी डायरेक्ट, या तो अगर नूडल्स बहुत हैवी होते हैं, अगर मुझे भूख लगती है तो मैं खाऊंगी। तो मैं अपना लंच करने जा रही हूँ और लंच में मैं ये मैगी तैयार हो गई है। तो सुबह जो ब्रेकफास्ट किया था हम लोगों ने, उसमें भी हमने मैगी खाई थी। तो मैं लंच में अपने लिए मैगी बना रही थी, तो फिर मैंने ज़्यादा बना ली, तो हम दोनों साथ में खा रहे हैं। और तो ठीक है, अब मैं जब तक ये वाला चैलेंज अपना कंप्लीट करती हूँ, मतलब कंप्लीट नहीं, मैं ये मैगी खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ।
गाइस, मैंने लंच टाइम में भी अपना मैगी फिनिश कर लिया है और अब मैं अभी तो मुझे भूख नहीं लगने वाली है, तो बहुत स्पाइसी नूडल्स थे, बहुत सुबह भी मुझे मैंने जब बनाए थे काफ़ी टेस्टी लगे थे मुझे और अभी भी काफ़ी टेस्टी लगे। मैंने खाना बनाया था लेकिन राहुल को भी मैगी बहुत अच्छी लगती थी, नूडल्स वगैरह, तो उन्होंने भी वही खा लिए। तो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपने स्नैक्स टाइप में, इवनिंग टाइम में अगर मुझे भूख लगती है तो मैं नूडल्स खा लूँगी, मतलब जब भी मुझे भूख लगेगी तो मुझे खाने तो नूडल्स ही है, सॉरी गाइस। तो या मैं आप लोगों से फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। हे गाइस, और अब हो रहा है अब इवनिंग का स्नैक टाइम, जब अभी बजे हैं, हाँ 6:45 अभी बजे हैं और अभी मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी तो मैगी से मैंने खा तो ली थी मॉर्निंग में और लंच में, फिर मैंने सोचा फिर बना लेती हूँ मैं, लेकिन फिर मैं सो गई थी और फिर जब मैं उठी तो मैंने बहुत थोड़ा सा काम किया, थोड़ी सफाई वगैरह की, तो गर्मी बहुत है यहाँ पे क्योंकि पानी नहीं बरसता है, उमस टाइप की होती है तो फिर बहुत गर्मी पड़ती है। उसके बाद फिर मैंने सोचा मैं नहा लेती हूँ, तो कैसा लग रहा है मेरा ब्लू कलर, मुझे ब्लू कलर बहुत पसंद है, और हाँ तो मैंने नहा लिया है और अब मैंने अपनी मैगी भी बना ली है। जी देखिए, मैंने अपनी मैगी कंप्लीट कर ली है, बहुत ही अच्छी मैगी है और बहुत स्पाइसी है, ये देखिए। तो अब मैं अपना इवनिंग का चैलेंज जो मतलब इवनिंग का स्नैक है मैं जो भी हम लेते हैं, तो यहाँ मैं मैगी खाने वाली हूँ, तो चलिए फिर मैं स्टार्ट करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। कोई भी चीज़ ज़्यादा खा लो तो बोर हो जाता है, बहुत प्यारे प्यारे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत ही टेस्टी टेस्टी। मैं इसमें लास्ट टाइम अब मुझे वो मैगी मंगानी पड़ेगी जो मैं पैकेट लेकर आई थी नूडल्स के, वो 5-5 रुपये वाले पैकेट लेकर आई थी ना, तो वो ख़त्म हो गए, ये एक ही बचा था लास्ट टाइम, मुझे इन में मंगाने पड़ेंगे। इवनिंग टाइम तो चल ही रहा है, क्या बोल रही हूँ, मतलब नाइट के लिए मुझे डिनर के लिए मुझे मंगाने पड़ेंगे, तो एक नूडल्स काफ़ी होगा, मैं एक ही पैकेट मंगाऊँगी, ज़्यादा नहीं मंगाऊँगी, मैं भी बोर हो गई हूँ खा खा के, सोच रही जल्दी से ये चैलेंज कंप्लीट हो जाए, इसकी जगह कोई और चैलेंज होता तो इतना शायद होने का। हाँ, पोहा वाला चैलेंज मुझे बहुत अच्छा लगा था, अगर 24 अगर मुझे पोहा खाने होते तो मैं आराम से खा लेती, बट मैं मैगी बहुत अच्छी लगती है लेकिन एक लिमिट में बोर हो जाते हैं मैगी खा कर, और कोई चीज़ खाते इतना बोर नहीं होती, इतना मैगी खा के बोर होते हैं। तो गाइस, एक चैलेंज के लिए हम लोगों को क्या क्या करना पड़ता है, तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट मैं कौन सा चैलेंज करूं, बाकी मैं अपनी मर्ज़ी से लेकर आ रही हूं, लेकिन आप लोग मुझे बताएं, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा और आप लोगों को मुझे मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो खा लेगा मैंने चाहा हो गया, ज़्यादा स्पाइसी नहीं लग रही मुझे, बट मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना पड़ेगा, ये इतनी तीखी नहीं है अभी भी, जितनी मॉर्निंग और लंच टाइम में बनी थी
बट मुझे खाना खाते टाइम पानी पीने की बहुत ज़्यादा हालत है। आई नो ये बैड बैड हैबिट है बट क्या करूँ, मेरा खाना पचता ही नहीं। कितना साल बचा है, हालत नहीं दिया होता थोड़ी सी मेहनत और कर ली होगी और स्पाइसी नहीं मैं बना सकती हूँ। बस या गाइस मैंने अपने नूडल्स कंप्लीट कर लिए, जो भी थे बहुत टेस्टी थे। थोड़े और ज़्यादा स्पाइसी बनाए होते लंच और ब्रेकफास्ट की तरह तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते, मज़ा आ जाता। मुझे अभी भी भूख लग रही है लेकिन क्या करूँ, मैगी के पैकेट्स भी नहीं बचे हैं, राहुल भी घर पे नहीं है अभी, तो मैं उन्हें कॉल लगाती हूँ, कॉल लगाऊंगी और उनसे ही बोलूँगी मुझे जल्दी से जल्दी एक मैगी का पैकेट ला। सो एनीवे गाइस अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से डिनर के टाइम, तो जब भी मैं डिनर अपना कंप्लीट करूँगी तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अभी तो मुझे नूडल्स का इंतजाम करना पड़ेगा, वैसे तो सॉरी गाइस पास में ही शॉप है, सॉरी दुकान है पास में ही, तो मैं खुद भी जाके ला सकती हूँ बट चावल बाहर ही है, उन्हीं से मंगा दूँगी कॉल करके। तो अब मैं जब भी खाऊंगी नूडल्स, बोरिंग नूडल्स अच्छे तो लगते हैं लेकिन पूरे टाइम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो ठीक है गाइस बातें बहुत हो गई, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपने डिनर टाइम। तो बाय बाय गाइस। और आ गई हूँ मैं फिर से, अब अभी टाइम हो रहा है 9:30 टाइम हो रहा है और ये मैंने बालों में कलर किया हुआ था तो मैंने काफ़ी लेट कलर किया है, तो मैं इसको कल मॉर्निंग में धुलूँगी ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद। और अब मैं अपना मैगी चैलेंज कंप्लीट करने वाली हूँ, जो लास्ट नाइट का डिनर में जो मुझे खाना था, तो चलिए मैंने बहुत ही स्पाइसी मैगी बनाई है और अब मैं उसको खाने वाली हूँ। मैंने पैकेट मंगा लिया था और चलिए चैलेंज को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। या गाइस इस बार ये देखिए ये मेरी मैगी है और इस बार मैंने बहुत ज़्यादा लिया है, अभी तक सुबह से मैं जब भी खा रही थी थोड़ा थोड़ा खा रही थी क्योंकि दिन का टाइम था तो इतनी भूख नहीं लगती, नाइट का टाइम है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी तो मैंने बहुत ज़्यादा बनाया। तो बस ये मेरी स्पाइसी मैगी और अभी अंधेरा हो रहा होगा वीडियो में क्योंकि नाइट का टाइम है तो ऐसे ही लाइटिंग भी प्रॉपर नहीं आती है। चलिए मैं इसको खा ली। कंप्लीट माय चैलेंज, फाइनली मैंने ये चैलेंज जैसे जैसे कंप्लीट कर ही लिया है। दिन भर से मैगी खा रही हूँ, बोर हो चुकी हूँ बहुत बुरी तरीके से और पता नहीं कितने टाइम तक मैगी नहीं खाने वाली। हाँ तो जो पीछे आप जो लोग देख जो आप देख रहे हैं वो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं मैं किस तरह से डीआईवाई करके इसको डेकोर किया है, ये देखिए इस तरह से मैंने बनाए थे। लुक एट दैट, ये लाइट क्या है मैं यहाँ प्रॉपर नहीं आती, तो ये पिक्चर जो पहली लाइट है पिक्चर जल नहीं रही बट मुझे इस टाइप का डेकोरेशन बहुत अच्छा लगता है। तो या गाइस हाँ मैं ये बोलने वाली थी ये जो मेरा मैगी चैनल चैलेंज था 24 आवर ईट मैगी चैलेंज मैंने अपना कंप्लीट किया है, ऑनेस्टली मैंने कंप्लीट किया। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो और
ये वाला जो DIY वाला ब्लॉग है उसको सॉरी वीडियो है उसको देखना जरूर ना मत भूलिएगा। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी और आप मेरे चैनल के थ्रू भी उसको देख सकते हैं। अब भी डाला है, बस एक दो दिन की बात होगी, तो आप उसको देखना जरूर और देखना मत भूलिएगा। और हाँ, ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, नेक्स्ट जो मेरा चैलेंज है वो चैलेंज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, वो चैलेंज मैं करने वाली हूँ येल्लो फूड फॉर 24 आवर। या तो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट चैलेंज में आप लोगों से। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।